नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 19 अप्रैल सन 2022, आज के तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राहु काल का अशुभ समय आज क्या रहने वाला है, इसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा और आज का दिशा शूल क्या है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक पंचांग 19 अप्रैल सन 2022। बैसाख माह, कृष्ण पक्ष, वसंत ऋतु और आज तृतीया तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। तृतीया तिथि 4:35 सायंकाल तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि होगी। आज का जो वार है मंगलवार है। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन भर व्याप्त रहेगा। वहीं आज का योग व्यतिपात योग 3:05 दोपहर तक रहेगा, उसके बाद वरियान योग होगा। और आज का जो करण है वणिज करण है, 6:05 प्रातः काल तक रहेगा, उसके बाद वृष्टि करण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज दोपहर 3:35 से प्रारंभ होगा, जो कि सायंकाल 5:10 तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:55 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा और 12:46 मध्याह्न काल तक रहेगा। बात गुलिक काल की करें तो गुलिक काल का समय आज 12:20 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:57 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करें, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत राहु काल में नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में और गुलिक काल में समस्त शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को श्रेष्ठ माना गया है, जबकि गुलिक काल को यात्रा, व्यवसाय, नौकरी, दैनिक दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं उन सब के लिए ग्रहण करना चाहिए। आज का जो दिशा शूल है उत्तर दिशा है। आज उत्तर दिशा में जाने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नौकरी व्यवसाय के लिए उत्तर दिशा की यात्रा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की यात्रा आज आप कर रहे हैं तो घर से निकलते समय गुड़ का सेवन अवश्य करें और घर से निकलते समय जब भी यात्रा प्रारंभ करें देखें किस नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा है, गतिमान स्थिति में है। जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो उसी पैर का पहला कदम रख करके यात्रा प्रारंभ करें, निश्चित ही यात्रा मंगलमय होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जिन दर्शकों की आज विवाह वर्षगांठ है आप सभी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य के लिए, सौभाग्य सुख प्राप्ति के लिए माँ भगवती, माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ का पूजन भी अवश्य करें, आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारियों के लिए और समस्त पूजा पाठ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा।